हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सिस्को पैकेट ट्रेसर। कैसे हम कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट जो हम आप अगर बीई कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं और एमसीए कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट भी है और देन उसका प्रैक्टिकल भी होता है। तो हाउ वी विल डू द प्रैक्टिकल ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिस्को पैकेट ट्रेसर विल हेल्प यू टू डू द प्रैक्टिकल इन द सब्जेक्ट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। सो दिस इज़ द वेरी इजी एंड वेरी यूजफुल टूल टू डू द कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट प्रैक्टिकल। सो आज हम देखने वाले कि कैसे हम सिस्को पैकेट ट्रेसर को यूज करेंगे, उस पर कैसे हम एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करेंगे। आज हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू इंस्टॉल द सिस्को पैकेट ट्रेसर। सो लेट्स मूव टू द गूगल। सो दिस इज़ द गूगल। नाउ यू हैव टू राइट, आपको लिखना है नेट ACAD। सो दिस इज़ द फर्स्ट लिंक। सो जस्ट क्लिक ऑन द नेट ACAD। सो दिस इज़ द फर्स्ट लिंक ऑफ द नेटवर्किंग एकेडमी ऑफ सिस्को। सो दिस इज़ द ऑफिशियल साइट ऑफ द सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी। सो थ्रू दिस साइट वी कैन डाउनलोड द सिस्को पैकेट ट्रेसर टूल। सो दिस इज़ द फ्रीली अवेलेबल टूल। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हैं इवन आप। सो दिस इज़ ऑल्सो द अवेलेबल टू ऑल ऑफ अस। सो वाट वी नीड टू डू, सो वी हैव टू डू द लॉग इन आई डी। सो हाउ वी विल डू दैट, सो जस्ट स्क्रॉल डाउन। आप इस पेज पर आने के बाद, इस साइट्स पर आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। देन यू विल सी हियर देयर आर द सो मैनी थिंग्स आर अवेलेबल। नेटवर्किंग, OSIT, प्रोग्रामिंग, IoT, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड पैकेट ट्रेसर। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंड ऑल्सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द पैकेट ट्रेसर। तो पैकेट ट्रेसर हमें डाउनलोड करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन द पैकेट ट्रेसर। सो इट विल बी रिडायरेक्टेड टू द न्यू पेज ऑफ द सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को नथिंग बट दैट इज वेरी रिनाउंड प्लेटफॉर्म ऑफ द इन द फील्ड ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्किंग। सो दिस इज द वेरी रिनाउंड प्लेटफॉर्म वर्ल्ड वाइड। सो सिस्को प्रोवाइड द पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर नथिंग बट दैट इज ए काइंड ऑफ टूल। एक टूल है, एक सिमुलेशन टूल है, जिसकी मदद से, जिसके हेल्प से हम बहुत सारे प्रैक्टिकल्स को कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट की बहुत सारी चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं। तो फिजिकल सिस्टम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर, अगर हम आपके पास उतनी सारी चीज़ें नहीं है। बट बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए रिसर्चर, अगर हमें कुछ चीज़ों को टेस्ट करना है तो वी कैन डू दैट। सो थ्रू द हेल्प ऑफ द सिस्को पैकेट ट्रेसर। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। सो यू कैन सी हियर, दिस इज द वी हैव टू चूज द लैंग्वेज इंग्लिश। सो देर आर द सो मैनी थिंग्स आर अवेलेबल। सो यू कैन सी, जस्ट स्क्रॉल डाउन। सो जस्ट यू विल सी हियर, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेट ट्रेसर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पैकेट ट्रेसर फॉर मोबाइल। तो आपको ये दो टाइप्स के पैकेट ट्रेसर अवेलेबल मिलेंगे यहाँ पर सिस्को की तरफ से। तो इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर फॉर द PC, आपके अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए यहाँ पर आप ये वाला वर्जन आपको यूज करना, इंस्टॉल करना। और अगर आप मोबाइल के लिए करना चाहते हैं तो आप ये वाला वर्जन आप यूज कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप किस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए यूज करना चाहते हैं। तो जब सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर फॉर द कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए मैं इसको यूज करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा तो ये इस वाले सेक्शंस पर ये आ जाएगा। सो वी हैव टू चूज द लैंग्वेज इंग्लिश। सो अकॉर्डिंगली ऑल द थिंग्स विल बी डिस्प्लेड ऑन रीडेबल फॉर्म। सो नाउ वी हैव टू चूज द इंग्लिश लैंग्वेज बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड वाइड टूल और वर्ल्ड वाइड वेबसाइट एंड वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म टूल सर्च ईच एंड एवरी सॉफ्टवेयर। नाउ दिस इज द इंट्रोडक्शन टू पैकेट। सो नाउ वी हैव टू रीच ऑन दिस पर्टिकुलर स्पेसिफिक पेज। अब हमको क्या करना है, नाउ वी हैव टू, यू कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन द पेज एंड यू विल सी हियर, दिस इज द डिटेल्स अबाउट द पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर सिस्को की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। तो आपको ये 10 आवर्स का कोर्स है, कॉस्ट फ्री है और बिगिनिंग लेवल पर है। और इसको आप ऑनलाइन सेल्फ पेज में सीख सकते हो। और ये इसकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश और यहाँ पर है। तो नाउ हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जस्ट यहाँ पर साइन अप करना है इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए। और हम यहाँ से पैकेट ट्रेसर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो जस्ट क्लिक ऑन द इंग्लिश एंड इट विल बी रिडायरेक्टेड टू द साइन अप पेज। सो दिस इज द सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी फॉर द इंट्रोडक्शन टू पैकेट ट्रेसर इंग्लिश एंड दिस इज द कोड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। सो दिस इज द इनरोलमेंट।
तो हमें यहाँ पर इनरोलमेंट कर लेना है, आपको अपना नाम डालना है, इससे लास्ट नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है जो भी आपकी वर्किंग ईमेल आईडी है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोड आएगा फाइनल एट द टाइम ऑफ द क्रिएशन। एंड प्लीज़ सेंड अपडेट्स, ऑल द थिंग्स आपको अपने अकॉर्डिंगली चूज कर लेना, और यहाँ पर इसका सीक्रेट कोड डालना, 36+9 आ जाएगा, तो जो भी आपके टाइम पर आएगा वो देन फाइनली आपको सबमिट करना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पैकेट ट्रेसर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसीज के अंदर। सो दिस इज हाउ वी कैन डाउनलोड द पैकेट ट्रेसर। सो दिस इज द वर्किंग एंड दिस इज द वे ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द पैकेट, सिस्को पैकेट ट्रेसर। नाउ वी मूव टू आफ्टर इंस्टॉलेशन, जब आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉलेशन कर लेंगे तो डेस्कटॉप पे एक सिस्को पैकेट ट्रेसर का आइकन आपको शॉर्टकट बन जाएगा, उस पर डबल क्लिक करना है, तो आपको इस टाइप का ये सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ जाएगा। सो दिस इज द वर्क स्पेस और सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो ये सिस्को पैकेट ट्रेसर का ये इन्वायरमेंट है, तो ये इस पर हमें काम करना है। तो आज मैं आपको इसके रिगार्डिंग आपको फेमिलियर करूंगा कि कैसे हम इस पर लोकल एरिया नेटवर्क करेंगे, क्रिएट करेंगे, कैसे दो सिस्टम के बीच में डेटा को कम्युनिकेट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो देखते रहिए, बहुत ईजी वे में, बहुत ही रेयरेस्ट ऐसा आपको वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और रियली यू विल इंजॉय दिस वीडियो। सो दिस इज द वर्क स्पेस, जितना भी ये ब्लैंक पेज दिख रहा है आपको बीच का, तो ये दिस इज द मिडिल पेज वर्क स्पेस। व्हाई वी आर सेइंग दिस इज द वर्क स्पेस, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ काम करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोकल एरिया नेटवर्क को बहुत सारे सिस्टम के बीच में नेटवर्किंग डिवाइस को यूज करने वाले हैं, और यहाँ पर नेटवर्क क्रिएट करके देखेंगे, और उनके बीच में आपस में मैसेज को भी सेंड करके देखेंगे। और इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर फाइल एडिट, बहुत सारे टैब मेनूज हैं, तो आपको हम इसको यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में भी मिलेंगे, और आपको यहाँ बॉटम साइड में बहुत सारी डिवाइसेज और आपको सिंबल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं एक 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 करके आपको सारी चीज़ों से यहाँ पर फेमिलियर करता हूँ। तो ये जो कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड है, इस ये है नेटवर्किंग डिवाइस, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइस यहाँ पर विजिबल होंगी। तो जैसे हब है, स्विच है, और यहाँ पर राउटर्स है, तो इस टाइप की जितनी भी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं वो आपको यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर पीसीज हैं, पीसीज पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एन नंबर ऑफ पीसीज और डिवाइस नेटवर्किंग जो भी सिस्टम्स हैं, लैपटॉप हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कंपोनेंट्स हैं, तो यहाँ से हम बहुत सारे कंपोनेंट जो नेटवर्किंग में यूज होते हैं यहाँ से हम यूज कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द दिस इज द आइकन फॉर द लिंक कनेक्टिविटी, के दो सिस्टम के बीच में हम कैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स की केबल्स अवेलेबल है, फाइबर ऑप्टिक्स भी है, स्ट्रेट थ्रो भी है, क्रॉस ओवर भी है, ऑटोमेटिक भी है, तो बहुत सारी केबल्स हैं यहाँ पर, हम इनको एक एक करके यूज करना सीखेंगे। और ये मिसलेनियस हैं, बहुत सारे टूल्स हैं जो गिवेन है जो हमें नेटवर्किंग में रिक्वायरमेंट रहती है, और ये भी हमारे पास बहुत सारे कनेक्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा एक कनेक्शन हम क्रिएट करके देखते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा हमें सीखने के लिए। तो सबसे पहले मैं यूज करता हूँ यहाँ पर पीसी पर मैंने क्लिक किया, और मैं यहाँ पर एक पीसी ले लेता हूँ, एक सिस्टम यहाँ पर मैंने लिया, और फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, मुझे दो सिस्टम के बीच में यहाँ पर एक नेटवर्क कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। दिस इज़ माई ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल नंबर वन, कि हाउ टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन द टू डिवाइसेस। तो दो कंप्यूटर सिस्टम के बीच में कैसे हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, सो दैट इज़ माई अवर फर्स्ट और इनिशियल लेवल प्रैक्टिकल। तो मैंने यहाँ पर दो सिस्टम चूज कर ली, बहुत छोटा नेटवर्क है। अब हमें इसमें क्या करना है कि दोनों के बीच में हमें लिंक करना है, तो लिंक कैसे करेंगे, इसके लिए ऑब्वियस हमें एक केबल लेनी पड़ेगी। तो अभी आप एज ए लर्निंग पर्पज, जो बिगनिंग लेवल पर, आप इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाली लिंक को आप ले लीजिए, और इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप ड्रैग कर दीजिए, और यहाँ पर भी आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर आपकी दो कनेक्शन, एक दो सिस्टम के बीच में एक मैंने केबल से कनेक्ट कर दी दोनों सिस्टम को, अभी इनके बीच में एक डेडिकेटेड केबल कनेक्शन हो चुका है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो ग्रीन कलर की लाइट आपको विजिबल दिख रही है, इसका मीनिंग ये है कि हमने जो केबल कनेक्ट की है दोनों सिस्टम के बीच में वो प्रॉपरली वर्क कर रही है। मीन्स नाउ सिस्टम वन, अगर मैं इसको सिस्टम वन बोलूँ, तो सिस्टम वन आर रेडी टू मूव टू सेंड द डेटा टू द सिस्टम टू। तो इस तरह से हमारे कनेक्शन है बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसको डेटा को सेंड करने से पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती
करती है, जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। तो बिना आईपी एड्रेस के ये तो कन्फ्यूज हो जाएगा सिस्टम के किस सिस्टम को भेजना है। तो आईपी एड्रेसिंग की बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। विदाउट आईपी एड्रेस अगर मुझे कोई भी लेटर अपने रियल लाइफ में भी अगर मुझे किसी आपको भेजना है, तो आपका एटलीस्ट मुझे एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो ऐसे ही हम नेटवर्क में अगर कोई डेटा भेज रहे हैं तो हमें एटलीस्ट उसका एड्रेस मालूम होना चाहिए। तो इसकी एड्रेसिंग हम कैसे करेंगे, जस्ट इस पर क्लिक करना है। सो जस्ट क्लिक ऑन द सिस्टम और यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर जाना है और यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा आईपी कॉन्फ़िगरेशन। नाउ अब हमें यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन में अपना एक आईपी एड्रेस डालना है। तो फॉर एग्जांपल मैं 10.0.0.1 यहाँ पर एक आईपी एड्रेस मैंने ले लिया और यहाँ पर क्लिक करूँगा और आपको कुछ नहीं करना बस। और इसमें आपको एक मैंने आप यहाँ पर सिर्फ 10.0.0.1 का एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया और इसको क्रॉस कर देना है। तो मैंने फर्स्ट सिस्टम का एक आईपी एड्रेस बना लिया है। ऐसे में एक सेकंड एड्रेस, सेकंड सिस्टम है उसका भी आईपी एड्रेस कौन असाइन करूँगा। तो यहाँ पर डेस्कटॉप है, इस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पर मैं वो ही वाला देकर देखूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सेम यहाँ पर आईपी एड्रेस दिया तो वो उसने क्या कर दिया, द एड्रेस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड। मीन्स इसका मीनिंग ये है कि अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्क का आईपी एड्रेस का अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा भी अगर आता है, तो उसका मीनिंग ये होता है कि हर एक कंप्यूटर का, हर एक सिस्टम का आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक होगा, किसी भी सिस्टम का एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था, एक पहले जो सिस्टम का आईपी एड्रेस दिया था वही एड्रेस इस पर्टिकुलर सिस्टम को असाइन करने की कोशिश की थी, तो इन्होंने क्लैशिंग हो गई, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कर दिया। तो अब जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा तो इजीली सबनेट मास्क ले लेगा और हमें बस मैंने इस दूसरे सिस्टम को 10.0.0.2 यहाँ पर असाइन कर दिया। नाउ दैट्स इट। अब ये दोनों सिस्टम हमारे रेडी हैं आपस में बात करने के लिए, बिल्कुल हमारा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो चुका है। अब मैं अपने एज ए रिमेम्बरिंग के लिए मैं यहाँ से एक लेबल सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे मुझे मालूम रहे कि इस सिस्टम का मैंने आईपी एड्रेस क्या दिया। तो फॉर एग्जांपल मैंने आईपी एड्रेस इसका दिया था और मैंने अपने याद करने मेमोरी पर्पज़ से यहाँ पर आईपी एड्रेस इसका भी मैंने लिख दिया है, जिससे मुझे ये याद रहे कि मैंने किस सिस्टम को क्या एड्रेस दिया है। तो ये बहुत अच्छा एक बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर आपको करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे के आईपी अगर यहाँ तो अभी सिर्फ दो सिस्टम है, दो सिस्टम का आईपी एड्रेस है, बट अगर नेटवर्क की मैं बात करूँ 10 सिस्टम है तो इसको मैंने क्या सिस्टम दिया। तो यहाँ पर एक फैसिलिटी है कि आप यहाँ से राइट हैंड साइड में येलो कलर का आपको एडिटर वाला नोट पैड दिख रहा है, उसको क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आप अपना लेबलिंग कर सकते हैं हर एक सिस्टम का। दैट्स इट, ये हमारा रेडी हो गया है। तो अब हमें और तो कुछ करना नहीं है, बस हमारा भी अब मुझे क्या करना है, आफ्टर कनेक्शन अब मुझे कनेक्शन को चेक करना है, क्या ये जो मैंने आईपी एड्रेस लगाया है क्या ये सही है। तो इसके करने के दो तरीके, तो दोनों तरीके आप बहुत ध्यान से देखिए। पहला तो ये है कि मैं इस पर एक डॉस कमांड के थ्रू इसको टेस्ट कर लूँ, जो ये हमारे पास एक अवेलेबल है कमांड जिसको हम बोलते हैं पिंग कमांड। तो चलिए पहले तो मैं पहले इस सिस्टम पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है सिस्को पैकेट की ट्रेसर की तरफ से ये अवेलेबल है कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर मुझे मालूम है कि नेटवर्किंग की जो कमांड होती है पिंग कमांड, पिंग कमांड हमेशा यूज होती है जब हमें किसी सिस्टम के कनेक्शन को टेस्ट करना होता है कि वो सिस्टम रनिंग कंडीशन में है या कनेक्शन सही है कि नहीं है। अब मुझे किसका आईपी एड्रेस, तो पिंग कमांड के बाद मुझे उस सिस्टम का आईपी एड्रेस चेक करना रहेगा जिसके साथ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो मैंने System 1 पर क्लिक किया है तो मुझे ऑब्वियस है कि सेकेंड नंबर के एड्रेस को डालना रहेगा। तो सेकेंड नंबर सिस्टम का आईपी एड्रेस है 10.0.0.2, इस सिस्टम का मुझे आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। अब मैं इसमें एंटर करूँगा तो जिससे मुझे रिप्लाई आ जाएगा। तो रिप्लाई ये आ गया तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर 4 पैकेट यहाँ पर सेंड हुए और देन उसके एक्नॉलेज भी आया है System 2 की तरफ से System 1 को।
सो दिस मीन्स हमारा जो कनेक्शन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, हमारे कनेक्शन में डेटा इजीली मूव कर सकता है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कितने किए थे, 4 पैकेट सेंड किए थे, सेंड की पूरी इन्फॉर्मेशन है, 4 पैकेट रिसीव भी 4 पैकेट हो गए हैं सेंड टू रिसीवर टू साइट पर। तो इस तरह से पूरी हमारे पास डिटेलिंग आ चुकी है, मीन्स वी हैव टेस्टेड दिस, बोथ सिस्टम आर वर्किंग properly. Now we can also check on the ping 2. मैं दूसरा सिस्टम भी चेक कर सकता हूँ, तो बस मुझे ping कमांड लिखनी है और मेरे पास IP एड्रेस है 10.0.0.1, इसको भी हम कर सकते हैं। तो इसके थ्रू भी हमने टेस्टेड कर लिया कि दोनों सिस्टम के जो पिंग कमांड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, दोनों मैसेज को इजीली रिप्लाई मैसेज आ रहा है, मीन्स दोनों सिस्टम प्रॉपरली कॉन्फिगर हो चुके। नाउ डेटा कैन बी सेंड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। सो दिस इज द वन मेथड, दैट इज़ वाई वी कैन चेक कि बोथ सिस्टम के अंदर हमारा डेटा प्रॉपरली जा सकता है नहीं जा सकता है। नाउ सेकेंड वे बहुत यूनिक है, शायद आपको देखने के बाद मज़ा भी आने वाला है। तो देखिए, तो फर्स्ट मेथड थी पिंग कमांड के थ्रू हम उसको चेक कर सकते हैं, सेकेंड मेथड है कि मैं इसमें एक मैसेज सेंड करके देखूं। तो मैसेज यहाँ पर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे, यहाँ पर मैसेज है, एक मैसेज को मुझे इस सिस्टम से, तो मैं यहाँ पर एक एनवेलप इसको मैसेज यहाँ पर पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर भेजना है मुझे, तो इस पर भी मैं क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ इस दोनों सिस्टम पे, इस सिस्टम को पहला बताया और देन इसकी लोकेशन भी दे दी कि मुझे इस डेस्टिनेशन पे भेजना है कहाँ से, सोर्स से। तो फर्स्टली मैंने इस पर क्लिक किया था मैसेज को लेने के बाद, देन सेकेंडली यहाँ पर। अब मैं उस मैसेज को सेंड करके देखूंगा कि वो सेंड इस पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, सिमुलेशन टूल का यूज करना पड़ेगा। सो दिस इज द सेकेंड मेथड। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड में आप रियल टाइम दिख रहा है, इसके बाजू में यहाँ पर आपको कॉर्नर में एक ब्लैक कलर का स्पॉट दिख रहा है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो हमारी विजिबल हो गई है सिमुलेशन टूल की। अब मुझे यहाँ से क्रॉस करना है और नथिंग एट ऑल। अब मैं यहाँ दे जैसे मैंने उसको क्रॉस किया, तो यू कैन सी ये दिस इज द मैसेज जो मैंने यहाँ पर मैसेज पहले पेस्ट किया था, क्लिक किया था। अब मुझे मूव करना है इस सिस्टम से इस सिस्टम पर डेटा को सेंड करना है। तो नाउ हाउ वी विल डू दैट, जस्ट क्लिक ऑन द कैप्चर एंड फॉरवर्ड बटन, ये बटन है नीचे अवेलेबल है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस सिस्टम से डेटा यहाँ पर मूव करेगा, देखते हैं करके। देखिए, मैंने जैसे यहाँ पर मैसेज इस पर क्लिक किया बटन पर, तो यहाँ ये फर्स्ट सिस्टम से डेटा से ट्रांसफ़र हुआ सेकंड सिस्टम के लिए। दैट मीन्स हमने जो कनेक्शन दोनों सिस्टम के बीच में एस्टेब्लिश किया था प्रॉपरली वर्क कर रहा है, मैसेज भी इजीली सेंड हो रहा है। अब नाउ अगर हमें नेटवर्किंग की प्रॉपर्टी मालूम है कि अगर हमारा कोई भी डेटा सेंडर टू रिसीवर जाता है, तो इट्स नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसीवर दैट प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीविंग मैसेज। तो अब सिस्टम टू क्या करेगा, यहाँ से एक्नॉलेज मैसेज भेजेगा कि भाई मैंने जो आपने मैसेज मुझे भेजा था वो मैंने रिसीव कर लिया। सो दैट इज ए काइंड ऑफ कन्फर्मेशन एज एन एक्नॉलेजमेंट। तो अब एक्नॉलेजमेंट के लिए क्या करना, फिर से मैं यहाँ पर बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे ये मैसेज जो है वो यहाँ पर जाएगा सोर्स पर। सो दैट इज ए काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट। और नाउ यू कैन सी दिस इज द ब्लिंकिंग ऑफ द मैसेज। सो दिस इज द राइट क्लिक का निशान, आपको यहाँ पर सिंबल दिख रहा है। दैट मीन्स जो भी इसने सोर्स ने पहले जो डेटा और पैकेट पर्टिकुलर दूसरे सिस्टम तक डेस्टिनेशन को भेजा था, सेंड किया था, दैट हैव टू बी रीच्ड एंड आल्सो इट रिसीव द एक्नॉलेज फ्रॉम द सेंडर टू। तो यहाँ पर जो रिसीवर की साइड से जो भी एक्नॉलेजमेंट आया है वो यहाँ पर सक्सेसफुली मैसेज हमारा डिलीवर्ड हो चुका है। सो दिस इज हाउ वी कैन सिमुलेट, वी कैन टेस्ट अवर कनेक्शन एंड वी कैन क्रिएट अवर नेटवर्क इन द सिस्को पैकेट ट्रेसर। बहुत थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही हम आपके लिए नए भी अपकमिंग वीडियो आपको रेगुलर 8 AM मॉर्निंग पर आपको मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई और टॉपिक पे चाहिए, यू कैन आल्सो राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आल्सो हेल्प योर फ्रेंड्स बाय शेयरिंग दिस चैनल एंड दिस वीडियो।